अपने जमाने की एक्ट्रेस रीना रॉय की लाइफ ट्रेजेडी से भरी रही। फिल्मों में आने से पहले वो क्लबों में डांस करती थी। पैसे और काम के लिए उन्हें स्क्रीन पर सीन्स तक देने पड़े थे। 70 के दशक की हीरोइन रीना रॉय का असली नाम सायरा अली है। रीना रॉय की लव लाइफ भी ठीक नहीं रही। उन्हें लाइफ में सच्चा प्यार भी नसीब नहीं हो सका। रीना और शत्रुघ्न सिन्हा की पहली फिल्म 1972 में मिलाप थी, लेकिन दोनों के बीच नजदीकियां फिल्म काली चरण के दौरान बढ़ी। एक मैगजीन को दिए इंटरव्यू में शत्रुघ्न ने अपने और रीना के रिश्ते की बात को कबूलते हुए कहा था, रीना के साथ मेरा रिश्ता पर्सनल रहा है। लोग कहते हैं कि शादी के बाद मेरी फीलिंग्स रीना के लिए बदल गईं, लेकिन मेरी माँ ने तो ये बढ़ गई थी। मैं भाग्यशाली हूँ कि उन्होंने अपनी जिंदगी के 7 साल मुझे दिए। लंबे अफेयर के बावजूद शत्रुघ्न ने रीना के बजाय पूनम मीरचंदानी से शादी कर ली। शत्रुघ्न के बाद रीना ने पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहसिन खान से शादी की। ये वो जमाना था जब रीना का नाम ही बॉक्स ऑफिस पर किसी फिल्म को हिट करा सकता था। लेकिन मोहसिन के लिए रीना ने सब छोड़ दिया। वो पाकिस्तान चली गयी, लेकिन यहाँ भी उन्हें धोखा ही मिला। रिश्ते इतने खराब हो गए कि दोनों का तलाक हो गया। रीना को अपनी बेटी सनम की कस्टडी तक नहीं मिली। रीना ने बॉलीवुड में वापसी की कोशिश की, लेकिन फिर वो कामयाब नहीं हो पाई। उनकी आखिरी फिल्म थी 2000 में आई रेफ्यूजी। अभी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की चटपटी न्यूज देखने के लिए। फिर मिलेंगे मसालेदार खबरों के साथ। बाय बाय।